प्यारे बच्चों, आज आपको मैथ की कक्षा में लेके चलते हैं। आज हम सीखेंगे चार अंकों को आपस में गुणा करना। 6578 को गुणा करते हैं हम 2986 से। इसको गुणा करने की विधि मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए, इसको ऐसा समझिए, एक ये इसका है बायां हाथ और ये है इसका दायां हाथ। हम गुना दाएं हाथ से शुरू करते हैं। दाएं हाथ में आप देख रहे हो 6, इसको गुना करोगे 8 के साथ। देखो, ये कच्चा काम है, कच्चा काम। मैंने 6 को 8 के साथ गुना करना है। देखो, 6 गुना 8 48। कितना आ गया? 48। 48 का ये अंक है और ये अंक है, तो 8 ले लिया। और जो यहां वाला अंक है, ये एक हासिल होता है। ये 4 अंक हमने हासिल ले लिया। अब 6 7 7, 6 को 7 के साथ गुना किया, कितना हो गया? 6 को 7 के साथ गुना करेंगे तो 42 आएगा। 42 आया। और इसमें ये 4 जो है जमा करने, ये हो गया 46। तो यहां मैं 6 लगाऊंगा, ये वाला, ये 6 यहां लगा दूंगा और 4 मैंने हासिल ले लिया। अब 6 5 30, 6 को 5 के साथ गुणा किया तो 30 आया। ये 4 था ना, 4, ये 4 को इसने जोड़ दिया, कितना हो गया? 34। 34 का 4 मैंने यहां लगा दिया, तो जो हासिल है 3, तो यहां दिया मैंने। अब 6 को 6 के साथ गुणा करेंगे, 6 गुना 6 कितने हो गए? 36। 36 और 3 ये वाला इसमें जमा करते हैं, 39 हो गए। तो 39 है। अब कोई आगे अंक नहीं है, तो 39 जो है मैं यहां लिख दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पहले अंक का जो आपके दाहिनी तरफ है, दाहिनी तरफ गुना करना शुरू किया और ये संख्या पे मैं पहुंच गया हूं। अब एक काटी लगा दीजिए आपके राइट साइड में। तो अब दूसरे अंक को उठाइए और पहले अंक से गुना करना शुरू कीजिए। देखो, 8 को 8 के साथ गुना करते हैं। 8 को 8 के साथ गुना किया तो आपको पहाड़े आने चाहिए। 8 8 64, 64 चौंठ आ गया। तो चौंठ का मैंने 4 यहां लिख दिया और हासिल 6 ले लिया। अब 8 को 7 के साथ हम गुना करेंगे, कितना आएगा? 8 को 7 के साथ 56। तो जमा कर दीजिए, 6 6 12, हासिल 1 5 और 6, तो ये आ गया। तो यहां लिख दिया और हासिल इसका 6 ले लिया। अब मैंने 8 को 5 के साथ गुणा कर देना है। 8 5 40, 8 5 40, और 40 में से 6 जमा कर दिए, 6 जमा कर दिए जो पीछे हासिल लिया था, तो 46 हो गया। 6 यहां लिख दिया, हासिल 4 ले लिया। तो आगे 8 को मैंने 6 के साथ गुणा करता हूं तो 48 आता है। 48 और जमा कर देता हूं किसके साथ? 4 के साथ। 8 4 12, हासिल 1 4 4 8, 8 4, इसको जमा करना ना, 8 4 12, हासिल 1 4 5, तो यह 52 हो गया।
तो 52 मैंने पूरा का पूरा लिख दिया। अब दो बाटी लेनी है, तो अब मैंने अगला अंक शुरू कर देना है। 9 को 8 के साथ गुना करूंगा, 9 को 8 के साथ गुना किया, 9 8 आ गया आपका 72, 9 8 72 हो गया, 72। अब इसमें से दो लिख देता हूं, यहां ये दो लिख दिया, इसका सात नीचे ले लिया, 9 को 7 के साथ गुना करते हैं, 9 7 कितने हो गए, 9 7 63, 63 हो गया। अब 63 मैंने यहां लिख दिया और सात जमा कर दिया, 7 3 10, ये 70 हो गया। तो उसके लिए 0 लिख दिया, यहां 7 मैंने ले लिया। अब 9 को 5 के साथ गुना करेंगे, 9 5 45, 45 और 7 7 5 35, 3 7 चौक 28 और 3 28 और 2 30 31, तो कितने आए, इसको गुणा नहीं करना जमा करना, सॉरी 45, जो हमने 9 को 5 के साथ गुणा किया 45 आया, फिर उसमें 7 जमा करना है, 7 5 12, 4 और 1 5 52, तो ये 52 हो गया। इसका दो लिख दिया, यहां हासिल 5 ले लिया। अब 9 को 6 के साथ गुना करना है, 9 छीक 54, 54 है प्लस ये जो 5 हासिल लिया था ये जमा कर दिया, 9 59, तो 59 मैंने यहां लिख दिया। अब तीन काटियां डाल दूंगा मैं, 2 को 8 के साथ गुना किया, 2 8 16, 16 लिख दिया, हासिल 1 ले लिया, असल 1 ले लिया, 2 7 14, 2 7 2 को 7 के साथ गुणा किया, 2 7 14 और हासिल 1 कितना हो गया, 15, 2 5 10, 2 5 10, 10 और 1 11, असल 1 आ गया, 2 6 12, 12 और 1 13, ये 8 आ गया। अब इसको जोड़ते हैं हम, 6 4 10 हो गया, हासिल 1 आ गया, 1 4 और 1 5 हो गया, कितने हो गए, 4 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 आ गया, 9 का हासिल है नहीं। अब देखो, अब इसको इस लाइन को टोटल कहते हैं, 9 6 15, 15 और 6 15 और 5 20 21, 21 का हासिल 2 आ गया। अब 2 3 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 और 5 14, हासिल 1 आ गया, हासिल 1 आ गया, 5 और 6 6 9 15, 15 1 16, हासिल 1 आ गया, 5 8 और 1 9 और 1। अगर हम 6578 को गुना करेंगे 2986 से, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 196,41,908। ओके, आगे हम इससे भी मुश्किल गुना आपको सिखाएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।